हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी हम सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं और मुझे बनाना है नारियल का पाक बनाना है। तो ये मैं नारियल यहाँ पे ली हूँ, साबुत नारियल है। तो इसे मैं कद्दूकस करूँगी। कद्दूकस करके इसमें मैं और भी बहुत सारे मेवे डालकर इसको मैं नारियल का पाक बनाने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने पूजा भी कर ली है घर में, नॉर्मल जो अभी नॉर्मल पूजा होगी कृष्ण भगवान की, वो पूजा मैंने कर ली है। फिर शाम को हम लोग करेंगे कृष्ण जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, फिर इसको हम लोग बनाएंगे कृष्णा। इसका भी मैंने ड्रेस वगैरह सब ऑर्डर कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे मैंने सबसे पहले चाशनी बना ली है। देखिए, चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कप चीनी डाला है और उसे आधा कप पानी डाला है। अब मैं यहाँ पे नारियल जो है वो घर कद्दूकस करके रख लिया है और मेवे जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब ये देखिए, हमारी एक तार की चाशनी बन गई है। इसमें मैं सारे मेवे डालकर चाशनी में अच्छे से डिप कर दूँगी, जब पूरे जो नारियल जो सूखा नारियल जो है वो अच्छे से भीग जाएगा चाशनी में, तो एकदम पाक के लिए सेट हो जाएगा। इसे हम देखिए अच्छे से चला लेंगे। मैंने यहाँ पे काजू बादाम और कद्दूकस नारियल और मैंने पिस्ता डाल के यहाँ पे पाक बना रही हूँ। देखिए, अभी हम लोग इसको बना रहे हैं और ये साथ में एकदम रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। इनको चुप भी नहीं होना है। देखिए, 5 मिनट हो गया। अब हमारा पाक जो वो एकदम सेट हो गया। तो मैं एक प्लेन प्लेट लूँगी और इसमें ये जो पाक का जो मिश्रण है वो उसे डालकर ऐसे इस चम्मच से अच्छे तरीके से फैला लेंगे, जिससे ये एकदम अच्छे से बराबर इक्वल शेप में बन जाएगा। आप इसे बर्फ़ी के शेप में भी काट सकते हैं। मैं इसे अभी ये थोड़ी नरम है, तभी मैं यहाँ पे चाकू से दाग लगा लूँगी, जिससे ये आसानी से निकल जाएंगे। तो हम इसे सेट करके हम फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो ये हमारा पाक जो है एकदम अच्छे से तरीके से सेट हो जाएगा। तो हमारा एक प्रसाद जो है वो बनकर रेडी है। अब मैं साथ में ही पंजीरी बना लूँगी। पंजीरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले गाय का शुद्ध घी 2 चम्मच घी लिया है और उसमें ये जो मेवे हैं मैंने इसे काट कर अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे पिसा हुआ धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं बचे हुए घी में ही धनिया का पाउडर डाल के धनिया को अच्छे तरीके से भुनेंगे, जब तक इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी। ये हमारा पंजीरी जो है मेन प्रसाद है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चढ़ता है, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसमें आप बहुत सारे मेवे डाल सकते हो। इसमें नारियल, काजू, बादाम, पिस्ता, मगजदाना, मखाना, ये सब डाल के आप पंजीरी बना सकते हैं। ये देखिए, पंजीरी हमारा जो धनिया जो है एकदम अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब यहाँ पे मैंने ये जो भुन मेवे जो भुन के रखे थे उसे साथ में डाल के ऐड कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पे मैं आप अपने अनुसार जो है चीनी डाल सकते हैं। चीनी यहाँ पे आप खड़ी चीनी भी डाल सकते हैं, भूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा आप अपने अनुसार देख लें कि हाँ ये कितना मीठा है। अब देखिए, शाम के 7 बज रहे हैं, तो मैं इसमें भगवान जी को है जो गुलाब की पंखुड़ियों से ढक कर रख दूँगी, जिसके बाद मैं 12 बजे रात को अब भगवान जी को इसमें निकालूंगी, उसका अभिषेक करूँगी, उन्हें न्यू वस्त्र न्यू कपड़े पहनाऊँगी, फिर उसके बाद उनका पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छे से ये झूला जो है मैंने घर पे ही बनाया है। अब भगवान जी का यहाँ मूर्ति है तो उसे अच्छे से टेबल पे मैंने रख के अच्छे से डेकोरेट कर लिया। यहाँ पे फल, यहाँ पे मैंने पाक जो बनाया था वो, और ये पंजीरी जो है पंजीरी मैं यहाँ पे ला के रख दूँगी अच्छे से। मैंने यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे तरीके से डेकोरेट कर लिया है। ये देखिए, हमारे छोटे से जो कान्हा हैं वो तैयार हो गए हैं। तो मैं बहुत सारी बाबू की वीडियो मैं निकाली इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए और बहुत सारे मैंने फ़ोटो भी लिए। बहुत रो भी रही थी लेकिन ये बहुत खुश थी। ये धोती जो मैंने घर पे ही अपने हाथों से मैंने इसे पहनाई थी, ये प्लेन कपड़ा रखा था, और ये जो मतलब जो ज्वेलरी जो बाबू पहनी हुई है वो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। एंड तक देखिएगा ये वीडियो। हम लोगों ने खूब मस्ती किया, खूब इंजॉय किया बाबू के साथ, बहुत सारी फ़ोटो निकाली, बहुत सारी वीडियो भी हम लोग शूट किए इस पोज में। ये बहुत ही मस्ती किए। आपने क्या किया मेरे को, इतना सारा कपड़ा बना दिया, इतना सारा ज्वेलरी बना दिया आप लोगों ने मुझे, और मुझे बेवकूफ बना रहे हो हांडी में रुईया भर के। मुझे हांडी में माखन चाहिए, माखन, मैं माखन खाने वाली हूँ। मुझे उल्लू बना रहे हैं ये सब, देखिए मुझे मम्मी पागल बना रही है, रुई भर कर मुझे माखन खिलाने की कोशिश कर रही है मेरे को। अरे मैं तो बहुत गुस्सा हो गया हूँ, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। आप तो जाओ जाओ, बाय बाय, जाओ जाओ, सब यहाँ से जाओ, मुझे नहीं देखना है, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं सब। आज मेरा बर्थडे है और मेरे को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं सब आप लोग। मैं बंसी बजाने वाला हूँ, आ जाओ आ जाओ, पहले सब कोई मेरा गाना सुन लो। मैं तो बहुत अच्छी बंसी बजाता हूँ, आ जाओ सब कोई सुन लो।
अब देखिए रात के 12 बजने ही वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे भगवान जी का अभिषेक करने के लिए कटोरी में पहले से ही स्वास्तिक बना के रख लिया, और यहाँ पे झूले में मैंने देखिए सिंहासन भी बिछा दिए हैं अच्छे से, मैंने सारे फ्लावर वगैरह सब कुछ रख लिए। यहाँ पे मैंने देखिए भगवान जी को चढ़ाने के लिए पैसा भी रख लिया। ये हमारे भगवान जी के लिए आज का न्यू ड्रेस है, ब्लू ड्रेस मैंने लिया है, ब्लू पगड़ी भी ली है, और ये उनकी माला है, और ये मैंने बांसुरी बनाई है, बांसुरी मैंने घर पर ही बनाई थी। यहाँ पे देखिए पूजा के लिए मैंने सारा धारी डेकोरेट कर लिया है, सब सामान मैंने रख लिए, और ये भगवान जी के लिए मैंने यहाँ पे डरे मिल्क रखे हैं। अब देखिए रात के 12 बज गए हैं, तो अब हम भगवान जी को उठाएंगे, जय हो। अब हम बोलेंगे नंद घर आनंद भयो, बोलो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। अब देखिए मैं भगवान जी का अभिषेक कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने चरणामृत पहले से बना के रखा था, इसमें मैंने दूध दही घी शक्कर और शहद मिला के मैंने चरणामृत बनाया था। अब भगवान को जल से अभिषेक करेंगे, अभिषेक करके मैं उन्हें निकाल लूँगी। अब मैं इन्हें अच्छे नए वस्त्र पहनाऊँगी, मैंने ये नए कपड़े भगवान जी के लिए लाए थे। अब मैं उन्हें माला पहना रही हूँ, मैं साथ ही मुकुट पहनाऊँगी, भगवान जी का चंदन टीका करूँगी, टीका लगा के उन्हें झूले में रखूँगी, फिर उसके बाद मैं उन्हें सारी आरतियाँ करूँगी, उनकी पूजा अर्चना करूँगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों आपकी चाहिए भगवान जी की पूजा अर्चना के लिए, अगर आपके मन के अंदर भावना है तो भगवान आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। तो आप ये त्यौहार अपने घर में भी मनाइए, बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाइए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मन को शांति मिलता है। मैं देखिए यहाँ पे पूजा की थाली जो है वो रेडी कर चुकी हूँ। अब मैं भगवान को घी का दिया जलाऊँगी, भगवान की आरती करूँगी। अब देखिए मेरी आरती जो है वो हो चुकी है, तो अब मैं भगवान को भोग लगाऊंगी, उनसे मैं इस व्रत में जो भी पूजा पाठ में जो भी गलतियां हुई हैं मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी, भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान मेरी गलती हर क्षमा को माफ़ करिएगा। अब देखिए मैं भगवान जी को कपूर का धूप दे रही हूँ, भगवान जी को आरती दिखाऊंगी, और उन्हें जितने भी प्रसाद है सारे प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ा के यहाँ पे पूजा अर्चना करके भगवान से क्षमा माफ़ी मांग लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरी बाबू भी रात तक जगी हुई, वो भी पूजा करने के लिए खूब इंजॉय की। अब देखिए मेरे हस्बैंड वो भी पूजा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू।